हेलो दोस्तों, तो एक नया व्लॉग। आज का व्लॉग मेरे घर से। लिटरली मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, क्योंकि आज काम से भी छुट्टी, काम को मैंने अल्लाह हाफिज़ बोल दिया है और अब मुझे नए लोग बुला रहे हैं कि आओ काम करो काम करो काम करो। तो मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ कुछ इंफॉर्मेटिव बातें शेयर की जाए। ठीक है, स्पेशली मैं हूँ स्कॉटलैंड में, एडिनबरा में। ठीक है, द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड जो है यूके यूके में ही आता है। ठीक है, चार मुल्क मिलते हैं तो एक यूनाइटेड किंगडम बनता है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में ये अजीब बात है ना, इधर हर बैंक का नोट होता है, हर बैंक का। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 4 20 के नोट पड़े हुए, 4 20 पाउंड के नोट है। ठीक है, ये राउंड अबाउट 80 पाउंड है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है ना, इस नोट की, इस नोट की, इस नोट की, सबकी एक ही वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब ये जो नोट है ना, ये जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये पूरे यूके में चलेगा। ठीक है, और ये जो तीन नोट है ना, तीन नोट, ये स्कॉटलैंड के बैंक के नोट है, जो स्कॉटलैंड में जो बैंक है उनके नोट है। ठीक है, अब ये जो है खलीज बैंक का नोट है। ठीक है, ये जो है द बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का नोट है और ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का नोट है। ये देख सकते हैं, ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और खलीज बैंक। ठीक है, और ये जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का नोट है। ठीक है, अगर स्कॉटलैंड में आप हैं ना, तो आप ये नोट कहीं भी चला सकते हैं, बैंक में भी, हर जगह नॉर्मल, ये रूटीन नॉर्मल है। ठीक है, इस तरह इसमें आपको 10 के भी मिलेंगे, 5 ये मिलेंगे। स्कॉटलैंड में 100 पाउंड का नोट भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा नोट होता है ना पूरे यूनाइटेड किंगडम में, वो 50, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के, वो 50 का नोट है। ठीक है, और वेल्स भी मैं गया हूँ क्योंकि वहाँ मेरे अंकल रहते हैं, वहाँ पर मैंने ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की नोट देखी है। और नॉर्दर्न आयरलैंड अभी तक मैं गया नहीं हूँ, और स्कॉटलैंड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये तीन नोट, समझ, मैं कहता हूँ बस एक ही नोट हो ना, ये एक नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड का नोट पूरे यूके में चले, मैं पता नहीं क्या मुसीबत है। और यहाँ पर एक मिथ ये भी है ना कि ये जो नोट है ना, ये नोट, ये बड़ा रेयर नोट होता है ना। रेयर नोट का मतलब है कि अगर इंग्लिश नोट है ना, अगर आप स्कॉटलैंड से इंग्लैंड जा रहे हैं ना, तो स्कॉटिश करेंसी जो है इंग्लैंड के लोग नहीं लेते, वो कहते हैं कि हम ये लेते हैं। और ये जो है वर्ल्ड वाइड करेंसी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड करेंसी का मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान से यूके आ रहे हैं, तो पैसे एक्सचेंज आपको इन पैसों में मिलेंगे, इनकी थोड़ी वैल्यू कम है। पाकिस्तान में भी अगर आप ये देंगे ना, तो आपकी वैल्यू थोड़ी, इन पैसों की थोड़ी वैल्यू कम है। पाउंड, ये भी पाउंड है, ये भी स्टर्लिंग पाउंड है, ये भी स्टर्लिंग पाउंड है, लेकिन वैल्यू कम है। अब मुझे समझ नहीं आती ये स्कॉटिश गवर्नमेंट ने इतने नोट क्यों छापे, तीन बैंकों के नोट क्यों छापे। इससे अच्छा तो हमारा मुल्क है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके नोट मिलते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंग्लैंड में नोट है, बस यहाँ आ जाओ, यहाँ पर तीन बैंकों के नोट। जब मुझे, मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ, जब मेरा पहला वीक खत्म हुआ था, जब मुझे तनख्वाह मिली थी ना, तो मुझे डिफरेंट पैसे, इस तरह के पैसे मिले थे, कोई कागज़ का नोट था, कोई इस तरह नोट था। तो डायरेक्ट मैं अपने बॉस को फ़ोन मिला ली, मैंने कहा सर मुझे आपने जो वेजेस दिया ना, तो इस तरह, कहते जिब्रान बेटा ये जो है इस तरह ही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया इस तरह क्या होता है। ठीक है, लिटरली समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बस मैंने आपके साथ छोटी सी ये बात शेयर करनी थी कि अगर कोई स्कॉटलैंड है तो कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जिधर से भी आएंगे, तो आपको ये नोट मिलेगा। ठीक है, जब आप स्कॉटलैंड आएंगे, जब आप बैंक से पैसे निकालेंगे, तो आपको ये भी नोट मिल सकता है। ठीक है, रॉयल बैंक का भी, खलीज बैंक का भी मिल सकता है, और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का भी मिल सकता है। ठीक है, तो यही छोटी सी नोटों के बारे में बताना था। ठीक है, अभी मेरे पास 20 पाउंड के नोट अवेलेबल थे, 5 पाउंड के मेरे पास नहीं थे, 10 पाउंड के, 10 पाउंड का एक होगा मेरा ख्याल से, आई थिंक सो होना चाहिए, हाँ 10 पाउंड का मेरे पास ये है, खलीज बैंक। ठीक है, 10 पाउंड का, इस तरह उसका भी होता है, लेकिन इंग्लैंड का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो भी कलर इसी तरह है, और 5 पाउंड का मेरा ख्याल से वो ब्लू कलर में है। और जो सिक्के हैं ना, सिक्के वो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के, वही सिक्के हैं। पाउंड का सिक्का है, 50 पैनी का सिक्का है, 20 पैनी का सिक्का है, 2 पैनी का सिक्का है, 1 पैनी का सिक्का है, 10 पैनी का सिक्का है। तो बस नोटों पर आज हमने बात की है। ठीक है, तो प्लीज़ कोई कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, ये सब जो है पाउंड ही है, ये सब पाउंड ही है, सही है। और मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर आप स्कॉटलैंड से फिर इंग्लैंड जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें आपके पास जितने भी पैसे हैं उनको बैंक में डाल लें, और फिर जब इंग्लैंड जाए तो अपने पैसे वहाँ से निकाले, तो वो आपको फिर ये मलका बरतानिया वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा व्लॉग या थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते थे कि हम
चैनल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।